वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरके फावर न्यूज़ में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश का मौसम आगामी दिनों में किस प्रकार रहने वाला है और कहां कहां पर है जो बारिश की संभावना जताई जा रही है और किन ज़िलों में है जो अलर्ट जारी कर दिया गया है और किन किन ज़िलों में है जो बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको एकदम सटीक और सही जानकारियाँ ही प्राप्त कराई जाएंगी। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, जिससे आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए बात करते हैं उन ज़िलों के बारे में जिन ज़िलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और किस प्रकार के हालात बने हुए हैं। सबसे पहले उन ज़िलों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्रदेश के श्रावस्ती, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, बागवत, गाज़ियाबाद, नोएडा, गोंडा, मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, बागपत, सीतापुर, बहराइची, श्रावस्ती, लखीमपुर खीर, शामली, बाराबांकी, अयोध्या, महाराजगंज, बिजनौर, अलीगढ़, लखनऊ, सुल्तानपुर और कुशीनगर में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। और जो कई ज़िले हैं जिनमें अलर्ट जारी हो चुका है और वहाँ की है जो सरकार है वो तैनात हो चुकी है। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश में श्रावण माह का आखिरी दौर बारिश के लिहाज से बहुत ही अच्छा बीता है, लेकिन कहीं कहीं है जो बाढ़ जैसे हालात बनने के कारण किसान भाइयों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जो उत्तर प्रदेश में है जो मानसून एक्टिव हो चुके हैं और बीते 48 घंटों से बाराबांकी, लखनऊ, अयोध्या समेत पूरी यूपी में रुक रुक कर है जो बारिश होने जा लग रही है। और बीते 48 से 72 घंटों में बहुत ही भयंकर बारिश की संभावना जताई जा रही है। और बात करें शनिवार की रात सबसे अधिक बारिश मुजफ्फरनगर में 76.6 mm रिकॉर्ड की गई है। और वहीं मौसम विभाग ने 23 से 25 अगस्त के बीच पूरी यूपी में भारी बारिश की संभावना जताई गई है और रविवार को 24 ज़िलों में बरसात का अनुमान भी लगाया गया है। मौसम विभाग के निदेशक JP गुप्ता ने बताया है कि अगले 3 दिनों तक इस तरह का मौसम प्रदेश में देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में है जो मौसम बहुत ही भयंकर बारिश देखने को मिलेगी। और बात करें उन प्रदेशों के बारे में, उन ज़िलों के बारे में जिनमें बहुत ही भयंकर बारिश की संभावना जताई जा रही है और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, तो उन ज़िलों में है जो किसान भाइयों को बहुत ही यह जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और बात करें पूर्वी और उत्तरी दक्षिणी उत्तर प्रदेश के बारे में, तो इन ज़िलों में है जो बहुत ही हवाओं के साथ है जो बहुत ही मध्यम वर्ष की है जो बारिश होने की संभावना जताई गई है। और बात करें शहरी उत्तरी में जो तेज़ बारिश के दक्षिणी में केवल बादल ही मंडराते रहेंगे, उन्हीं के साथ दोपहर भर तेज़ धूप के साथ गर्मी भी पड़ सकती है। और बात करें उत्तरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में, तो 4 बजे के बाद ज़ोरदार बारिश का है जो अनुमान लगाया गया है और वहीं दक्षिणी हिस्सों में हल्की बूंदाबांद हो सकती है। और बात करें वहीं पर तो उत्तर प्रदेश में है जो मौसम बहुत ही ख़राब होने वाला है, क्योंकि 36 ज़िलों में है जो अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग ने। और अब बात करें वहीं है जो बारिश का दौर तो बहुत ही भयंकर रहने वाला है, हालांकि कुछ ज़िलों में है जो अलर्ट भी जो जारी कर दिया गया है उत्तर प्रदेश ने। तो बने रहें इस चैनल के साथ, हम आपको एकदम सटीक और सही जानकारियाँ ही प्राप्त कराते रहेंगे। धन्यवाद।